नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसा कि हम आपको पिछले काफ़ी दिनों से दिखा रहे हैं, आज हम पहुंचे हैं गांव घोड़ा कला में और यहां जो सरपंच साहब है वो है भाई यजुवेंद्र शर्मा जी। आज यजुवेंद्र शर्मा जी से हम जानेंगे कि गाँव में किस प्रकार का विकास हुआ और किस प्रकार के प्रशासन या सरकार से सहयोग राशि मिली। मैं अपने साथ ही चाहूंगा, एक बार दिखाएंगे, ये यजुवेंद्र भाई का ऑफिस है, कार्यालय है और स्टार पुष्कर ग्राम पंचायत 2018-19 एंड स्टार पुष्कर ग्राम पंचायत 2019-20 दो अवार्ड भाई को यहाँ पर मिले हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। नीचे हरियाणा लोक साहित्य सदन का सर्टिफिकेट, नागरिक अभिनंदन का भी एक सर्टिफिकेट मिला है। ये नीचे देखिए, ये नागरिक अभिनंदन गुरुग्राम गौरव के नाम से इनको अवार्ड मिला है। और राष्ट्र सर्वप्रथम संतन का एक शहीद भगत सिंह का, जो शहीद आजम शहीद भगत सिंह का एक प्रतीक चिन्ह भाई को यजुवेंद्र जी को प्रोवाइड किया गया है। इधर ये ब्रह्म कुमारी आश्रम से एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है सुप्रीम सोल का। तो यजुवेंद्र जी, कैसे आप? अच्छा। तो भाई जी, कैसी रही आपकी योजना? ठीक, अच्छा रहा। तो सरकार से कैसा, क्या विकास के लिए आपको सहायता मिली? सरकार से भरपूर सहयोग मिला, गांव का भरपूर सहयोग मिला, जो हमने विकास कार्य कराए गांव में जी। और किसी प्रकार का कोई गांव में झगड़ा मुकदमा वगैरह नहीं? ऐसा भैया, हमारे गांव बड़ा शांतिप्रिय है और बड़ा अच्छा भाईचारा है हमारे गांव में। सबसे बड़ी बात यह कि हम 36 बरादरी रखते हैं। गुड, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं जी। तो दूसरा भाई, गांव में कितने आंगनबाड़ी है सरपंच साहब आपके पास? 13 आंगनबाड़ी। और सरकारी स्कूल? 5 सरकारी स्कूल है। वो कहाँ तक के अपग्रेड है? तो स्टूडेंट्स की ठीक तादाद है वहाँ पे? सबसे अच्छी तादाद है, बच्चे सबसे ज्यादा आसपास के स्कूलों से जी। दूसरा सरपंच साहब, अब कोई ऐसा विकास कार्य आपके दिल में रह गया हो जो इस सरकार के रहते हुए वो पूरा नहीं हुआ हो, चाहे लॉकडाउन की वजह से चाहे कोरोना की वजह से, कोई दिल में ऐसी भावना रह गई हो कि वो काम अधूरा रह गया, यदि वो हो जाता तो मुझे शांति रहती? सबसे बड़ा जो हमारे गांव का मुद्दा पहले भी था और आज भी है जी, उसमें थोड़ी हमारी सरकार की देरी चल रही है, उसी की वजह से वो रह गया है। कोरोना टाइम आ गया, अरे तो मार्च में ही हमारा सब कार्य पूरा हो चुका था जी। हमारे सीवरेज और पानी की समस्या है हमारे जी, जो कि एक बड़े गांव में सबसे बड़ी समस्या का विकट रूप ले लेती है जी। तो वो कार्य सरकार द्वारा होना है, टेंडर द्वारा सरकार ने करने हैं और कार्य लास्ट स्टेज पे है। सीएम साहब का जैसे ही का उसके रिलीज हो जाएंगे पैसे, कार्य शुरू हो जाएगा। तो कितनी पॉपुलेशन टोटल शर्मा जी? हमारी 25,000 के लगभग। देखिए, 25,000 की आबादी वाला एक कस्बा है, इसको गांव नहीं कह सकते हम, घोड़ा कला गांव नहीं कह सकते, ये कस्बा है। 25,000 की पॉपुलेशन है यहाँ पर और सीएम साहब से और हरियाणा सरकार से बीपीए न्यूज चैनल के माध्यम से एक पर्सनल ये रिक्वेस्ट है सामाजिक लेवल पे कि यहाँ सीवरेज लाइन अवश्य ही कंपलसरी है और उस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरा भाई, अभी 2 महीने के बाद में इलेक्शन आ रहे हैं, तो शर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या विचार बन रहा है? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि जो कुछ जो कार्य हमारे अधूरे रह गए हैं, वह हमने लगभग 70-80% कार्य करा चुके हैं जी। अब हमारा सीवरेज का काम है और जो थोड़े काम रह गए उनको कराने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं जी। जैसे भी सरकार हमारा सहयोग करेगी, गाँव वालों का सहयोग तो हमारे साथ बराबर बढ़ा हुआ है, तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। नहीं सर, अभी जैसे जनरल आ रही है आपकी सरपंच, तो उसमें आपका क्या विचार बन रहा है, वो जानना चाहिए। देखो, विचार तो जनता जनार्दन बताती है, लेकिन हमारा तो यही है कि भाई जो अधूरे कार्य उनको हम पूरा करें जी, यही हम अपील करते हैं और यही हम सोचते हैं। तो देखिए भाई ने, यजुवेंद्र शर्मा ने बताया कि जनता जनार्दन है, बस्ती माता है, बस्ती माता जिसको लाइक करेगी उसको सपोर्ट करेगी और जिसको सपोर्ट करेगी हम भी उसके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं खुद अकेला बनना चाहता हूँ। बस्ती माता यदि जिस प्रकार का आदेश करती है समाज के ऊपर,
उसके ऊपर हम फॉलो करेंगे और यदि मुझे मौका देंगे तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। मेरा एक अंतिम क्वेश्चन भाई शर्मा जी, अभी हाल ही में हाथरस यूपी के अंदर एक बेटी के साथ में बहुत जघन्य अपराध हुआ है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे, उन अपराधियों के लिए सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहिए? देखो हम तो यही कहेंगे जो इस तरह के अपराधी होते हैं उनको हल्के में ना लेके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो कि आगे से समाज हमारा सुचारू रूप से चलता रहे और भाईचारा बना रहे। तो देखिए ये थे भाई यजविंद्र शर्मा जी और सरपंच बोहड़ा कला के एक निष्पक्ष और 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले सबसे बड़ी अचीवमेंट इन्होंने। गांव में कोई झगड़ा फसाद यदि छोटा मोटा हुआ तो उसको बैठकर निपटा लिया, पुलिस स्टेशन तक या कोर्ट तक उस कार्यवाही को नहीं जाने दिया। दूसरी बात, जो यहां एक भाईचारा कायम है, लगभग 25,000 की पॉपुलेशन है, भाई ने क्या बताया सर, 2 महीने में बचे हुए हैं, 2 महीने में जो भी विकास कार्य पेंडिंग में है उनको भी मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी सरकार से अपील है कि मेरे गांव में सीवरेज पाइपलाइन की बहुत ही इमरजेंसी है और वो जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। दूसरा, इन्होंने बताया कि मुझे राजनीति का शौक नहीं है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, यदि मुझे गांव की सेवा करने का दोबारा मौका मेरी जनता ने दिया तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। बढ़ते कदम सच्चाई के कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।